अपनी उपज के लिए एक बाजार ढूंढ पाना लगभग पूरे देश में ही किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो ये साबित करती है कि कैसे एक मार्केट प्लेस या मंडी के आ जाने भर से उस पूरे इलाके की खेती किसानी और खेती पर आधारित उद्योगों के हालात बदल सकते हैं। बीकानेर से जैसलमेर जाते हुए पाकिस्तान की सीमा से करीब 150 किलोमीटर दूर, जहां सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक केवल झाड़ियां और बंजर जमीन दिखती है, वहां किसी मंडी का होना इलाके के किसानों के लिए रेगिस्तान के बीच किसी हरियाली से कम नहीं। बज्जू की मंडी भी इस इलाके में कुछ यही किरदार निभा रही है। लेकिन केवल 2 साल पहले हालात ऐसे नहीं थे। मंडी के अभाव में किसान 15,000 की जनसंख्या वाले छोटे से बज्जू शहर के बाजारों में यहाँ वहाँ गल्ला व्यापारियों के यहाँ धक्के खाने को मजबूर थे। लेकिन मंडी के आने के 2 साल के भीतर ही हालात बदल गए हैं। मैं सभी तो ठीक है, वो मंडी का ने बैठे सभी थे कि 2 रुपया भाव में ही मने जाने काशकार बजानी जू ही आगे जमीन बदा दी ठीक है। पर ग्वाले का भाव बड़ा मंदा घना मारे चाले ठीक है। पहला नो ठीक, पहला गलिया में नागदार कुतार ले जानता हेटा ठोक जानता हम हुई बेचता है। बहुत फायदा हो गया हमारा। पहले तो उधर जाऊँ दो डंडा खा जाऊँ दा गाय खा जाऊँ दी, अब तो बहुत सुविधा हो गया। रेट जहाँ 2 दिन हुआ तो कोई दिक्कत का नहीं, बहुत फायदा मिल रही है। जब किसानों के अनाज को बर्बादी से सुरक्षा मिल रही है तो जाहिर है कि उसे होने वाली आमदनी भी बढ़ रही है। इसका सीधा असर ये हुआ है कि बज्जू अपने अगल बगल के करीब 100 किलोमीटर तक के खेतों की फसल का सबसे अहम ठिकाना बन गया है। बीकानेर और जैसलमेर के मूंगफली और ग्वार किसान अब सीधे यहां आते हैं। मंडी बनने का सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ा है और इसने उनके रहने सहने का तरीका भी बेहतर किया है। ये पहले क्या है, कुछ नहीं है। पहले तो बड़ा परेशान है बुढ़िया बुढ़ा लोग है ना, वे बाहर से बीकानेर से जैसलमेर से कितने दूर दूर हूँ दाना लाया करता था और यहाँ पैदा नहीं होती थी। दन पशु माल रखते थे और बड़ा परेशान है। खारा पानी आ पीने दे, मीठा पानी भी नहीं आ। नहर आने से लोग मोजा मोज हो गई, बहुत बढ़िया हो गया और मंडियाँ बढ़ गई। अब हमारे गेट बंद हो जाए, माल पड़े रहे 5 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी पैदा हो रही है। किसान बहुत पनपरे है, सब के चढ़ने गाड़ियाँ हो गई, मोटरसाइकिल हो गई। पहले तो कोई परेशानी बहुत ही कुछ ही नहीं था भाई, कुछ ही नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि किसानों को केवल फसलों की बर्बादी रुकने का फायदा हो रहा है। मंडी के आने के बाद यहाँ बाहर से भी व्यापारी आने लगे हैं, जिससे खरीदारों की संख्या में खासा इजाफा हुआ। इससे बोलियों की संख्या बढ़ी है और किसानों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी भाव मिलने लगे हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया है और मंडी में फसलों की आवक भी बढ़ गई है। व्यापारियों की संख्या यहाँ दुगनी से तिगनी हो गई है। मतलब जो व्यापारी पहले 25-30 काम करते थे वो अब 70-80 काम कर रहे हैं और कंपटीशन में लोग किसानों को भाव मिलने के लिए कंपटीशन बढ़ा है। व्यापारी ज़्यादा बढ़ने के कारण से इससे किसानों को भाव मिल रहा है और मंडी में सुविधाएं भी किसानों को मिल रही है। जो पेड़ बने हैं वो उन पर शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था के लिए हम मंडी विकास मंडी से अनुग्रह कर रहे हैं कि भाई आप हमें शेड बनवा के दीजिए ताकि किसानों का माल है वो ख़राब नहीं हो बरसात के अंदर। यहाँ से लोग बाहर से आए हैं व्यापारी यहाँ खरीदने के लिए, कुछ व्यापारी मतलब उनको कमीशन पर खरीद के दे रहे हैं तो उससे किसानों के भाव में बढ़ोतरी हुई है। अराइवल पहले से ज़्यादा बढ़ा है, लगभग 30% और बढ़ गया। पहले 100 आ रहा था, अभी 130 आ रहा है। मंडी की इन कोशिशों से बज्जू के आसपास के किसान अपनी फसल की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहते हैं। हालांकि मंडी में एक शेड है लेकिन आवक की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहां आने वाली फसल का एक बड़ा हिस्सा खुले में रखा जाता है। जानवरों और गिरहकटों से फसल भले ही सुरक्षित हो गई हो, बारिश के मौसम में उसके भीगने का खतरा बना रहता है, इसलिए यहाँ और शेड बनवाने पर काम चल रहा है। लेकिन साल के 9 महीने कुल मिलाकर किसान मंडी में अपने माल को लेकर निश्चिंत रहते हैं। मंडी बनने से किसानों का जो ये माल है क्षेत्र में लाते हैं, पहले मंडी नहीं तो वहाँ जगह जगह गेरते हैं, माल बहुत खराब होता है। बोली लगने में भी प्रॉब्लम होती कि हर जगह बोली लगती नहीं, वो अपने मन मर्जी। अब
मंडी लगने से एक तो आम व्यापारी यहाँ आ जाता है और वो बोली लगाते हैं, बोली लगाने में भाव भी अच्छे मिलते हैं, किसान को भी संतुष्टि हो जाती है कि यहाँ माल का भाव यही है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत है कि यहाँ मंडी की चार दीवारी है, पिड़े यहाँ माल वेस्टेज नहीं होता है, कोई इधर उधर भी नहीं कर सकता है। वहाँ पहले बाड़ों के अंदर कोई कहीं बैठा था, कोई कर रहा था, वो माल भी इधर चोरी हो जाता था। अभी यहाँ बिल्कुल सुरक्षा है, एकदम संतुष्ट है, चाहे बोली 10 दिन नहीं आए तो भी माल सुरक्षित है। और इस सुरक्षित वातावरण में बेहतर भाव मिलने के कारण किसानों ने बीजान का क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया है। पहले जहां इलाके के किसान केवल खेत के आधे तक में बुवाई करते थे, वहीं अब इसका हिस्सा बढ़ाकर 3/4 कर दिया गया है। पहले हमारा व्यापार सब बाहर होता था, मंडी से बाहर जहाँ व्यापारी कम आते थे, अब हम चारों मंडी के अंदर आ गए हैं, उसमें व्यापार भी अच्छा बढ़ा है। दूसरे में जैसलमेर जिले तक हमारे व्यापारी यहाँ आते हैं और व्यापार होता रहता है बराबर। पहले माल कम आता था, पहले 50% ही बीजान होता था, अब 75% बीजान होता है। फिर साथ में बारिश होने से फसल भी अच्छी होती है और माल भी अच्छा आता है, उससे व्यापार भी अच्छा बढ़ता है। बज्जू की मंडी में दूर दूर से आए इन किसानों के चेहरे की खुशी और संतोष मंडी की सफलता की कहानी कह रहे हैं। साथ ही ये कृषि क्षेत्र के नीति निर्माताओं के लिए भी एक संदेश है कि मंडियों को एक मजबूत तंत्र का हिस्सा बनाकर किसानों के लिए न केवल एक संगठित बाजार तैयार किया जा सकता है, बल्कि उन्हें बेहतर कीमत दिलाने की दिशा में भी मंडियां अहम भूमिका निभा सकती हैं। बज्जू की इस मंडी के 50-60 किलोमीटर के दायरे में खेती के नाम पर कुछ इक्का दुक्का फसलों को छोड़कर और कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन मूंगफली की बोरियों से इस समय ठसाठस भरी इस मंडी को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि किसानों के लिए इस केंद्र की भूमिका कितनी अहम हो चुकी है। राजस्थान के बज्जू से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। We'll be right back.